3 मीटर के ही कॉपर पाइप और 3 मीटर की केबल आपको मिलती है, यानी कि 10 फीट के आसपास आपको लेंथ मिल जाती है। इस मॉडल में आपको 11 kg का इंडोर यूनिट मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में। दोस्तों आप देख रहे हैं हायर के 1.5 टन 4-स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर का ये बॉक्स, और आज के इस वीडियो में हम आपको इस एसी की अनबॉक्सिंग करके बताएंगे, जिसमें हम आपको इस एसी के एक एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही आपको बताएंगे प्रॉस एंड कॉन्स, जिससे कि आपको काफी हद तक आसानी होगी अपने लिए बेस्ट बाइंग डिसीजन लेने में। दोस्तों हमारा एसी अनबॉक्स हो चुका है और इंडोर यूनिट के साथ में हमें ये एक्सेसरीज मिली है, जिसमें रिमोट कंट्रोल, बैटरी और यूजर मैनुअल बुक मिली है, जिसमें एसी के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। और आउटडोर यूनिट में दोस्तों ये पावर केबल मिली है, जिससे कि पावर सप्लाई की जाती है। इसके अलावा ये कॉपर पाइप्स मिले हैं, 3 मीटर के ही कॉपर पाइप और 3 मीटर की केबल आपको मिलती है, यानी कि 10 फीट के आसपास आपको लेंथ मिल जाती है। दोस्तों बात करेंगे हायर के इस एयर कंडीशनर के फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो इस मॉडल में दोस्तों आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलती है, जो कि ग्रीन गैस है और कूलिंग के मामले में काफी एफिशिएंट है। भाई दोस्तों कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स में 100% कॉपर का यूज किया है हायर में, साथ ही आपको कोरोजन से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कोटिंग भी मिल जाती है। इस मॉडल में आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर भी मिलता है, जिसकी वोल्टेज रेंज आपको 130 वॉल्ट से लेकर 300 वॉल्ट तक देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इस वोल्टेज रेंज के बीच में आपका एसी जो है वो वर्क करता है। अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर अप एंड डाउन होता है तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर इस एसी के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली पावर कितना अप हो रहा है या कितना डाउन हो रहा है, इसके बारे में अगर आप श्योर नहीं है तो आप एक इंडिविजुअल स्टेबलाइजर इस एसी के साथ जरूर लगाएं। और बेस्ट स्टेबलाइजर्स के ऊपर भी आपको हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा, उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने इस एसी के लिए एक बेस्ट स्टेबलाइजर परचेस कर सकते हैं। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की, तो इस मॉडल में दोस्तों आपको 5250 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.49 टन का मिल जाएगा। इस मॉडल में आपको 11 kg का इंडोर यूनिट मिलेगा और 24.5 kg का आपको यहाँ पर आउटडोर यूनिट मिल जाता है। और ये एसी अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एरिया को बहुत ही आसानी से कूल कर सकता है। इस मॉडल में आपको 4.45 की आईसी वैल्यू मिल जाएगी और 20-स्टार रेटिंग पैरामीटर के हिसाब से ये एसी सालाना 913 यूनिट कंज्यूम करेगा। इस मॉडल में आपको 34 डेसिबल का यहाँ पर नॉइस लेवल मिल जाता है। बात करें कंप्रेसर की, तो इस मॉडल में आपको ट्रिपल इन्वर्टर डीसी कंप्रेसर यहाँ पर मिलेगा, जो कि 60 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपको बहुत अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये कंप्रेसर पावर सेविंग भी काफी बढ़िया करता है। इस मॉडल में दोस्तों आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलता है, जिसमें 100% कैपेसिटी के अलावा एसी को आप कम कैपेसिटी और ज्यादा कैपेसिटी दोनों में ही कूलिंग ले सकते हैं। वहीं इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर फ्रॉस्ट क्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर देखने को मिल जाता है। और ये मॉडल दोस्तों 4-वे एयर स्विंग फीचर के साथ आपको मिलता है, यानी कि आपको लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन चारों दिशाओं में एयर डिलीवरी इंडोर यूनिट से मिलती है, जिससे कि आपका रूम फास्ट कूल हो जाता है। इस मॉडल में आपको 20 मीटर का एयर थ्रो यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों हायर ये क्लेम करता है कि 20 मीटर तक आपको लंबा एयर थ्रो यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये एसी आपको कितना बढ़िया एयर थ्रो प्रोवाइड करता है। इस मॉडल में आपको हाइपर पीसीबी मिल जाती है, यानी कि पीसीबी के ऊपर एक कोटिंग प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जिससे कि पीसीबी की लाइफ काफी समय तक आपको मिलती है। वहीं दोस्तों आपको यहाँ पर एयर फिल्ट्रेशन में एक सुपर माइक्रो एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मिल जाएंगे, जो कि आपको डस्ट फ्री प्योर एयर प्रोवाइड करेंगे। वारंटी की बात करें तो हायर की ओर से इस प्रोडक्ट पर आपको 5 साल की कॉम्प्रेसिव प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है और 12 साल की कंप्रेसर पर। और अगर आप इस एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल दोस्तों इसकी करंट प्राइस है 37,900 रुपए, जिसके बेस्ट बाय लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारा एयर कंडीशनर जो है वो ऑफ हो चुका है, और अभी आप देख रहे हैं दोस्तों ये नॉइस मीटर जिसमें हम ये चेक करेंगे कि ये एसी दोस्तों एग्जैक्टली कितना नॉइस करता है वो हम आपको प्रैक्टिकली चेक करके बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोस्तों हमने प्रैक्टिकली चेक किया, एसी का नॉइस लेवल जो है वो 59 डेसिबल यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ है। दोस्तों एसी को ऑलमोस्ट रन होते होते यहाँ पर 10 मिनट का समय हो चुका है, तो इनिशियल स्टेज पर एसी का नॉइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि इससे आपका नींद डिस्टर्ब हो जाए या फिर आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए। लेकिन कंपेयर टू मार्केट में जो भी प्रीमियम ब्रांड के कंडीशनर मॉडल्स आता है उनके मॉडल्स के मुकाबले आपको थोड़ा सा नॉइजी ये एसी देखने को मिलेगा। लेकिन जब कभी भी दोस्तों आप जो भी टेम्परेचर सेट करता है वो एक बार अचीव हो जाता है दोस्तों एसी का नॉइज लेवल भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस एयर कंडीशनर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। दोस्तों कमी जैसे कि अभी आपने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर इनिशियल स्टेज पर आपको नॉइस लेवल थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं दोस्तों ऐसे इलाके जहां पर हायर की सर्विस सेंटर नेटवर्क अवेलेबिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां अगर आप हायर एयर कंडीशनर को अपने लिए बाय करने के लिए प्लान कर रहा है तो बिफोर बाइंग आप इनके सर्विस सेंटर के बारे में पहले जरूर पता कर ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों रूरल एरियाज में काफी सारे ऐसे इलाके हैं वहां पर हायर की कनेक्टिविटी वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगी। और दोस्तों किसी भी ब्रांड का एयर कंडीशनर हो चाहे वो आपको कितना भी क्लेम करेगी उनकी सर्विसेज आपको काफी बेहतर देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों सर्विस सेंटर चाहे किसी भी ब्रांड का एयर कंडीशनर हो दोस्तों चाहे वो कितना भी क्लेम करेगी उनकी सर्विसेज काफी बढ़िया है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विसेज की जब भी बात आती है तो दोस्तों सर्विस सेंटर का काफी ज्यादा मेजर रोल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें बिफोर बाइंग अपने एरिया में सर्विस सेंटर के बारे में पहले पता कर लें ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज ब्रांड की ओर से बहुत ही बढ़िया मिल जाए। वहीं दोस्तों मैं फायदों की अगर बात करूं तो ये कूलिंग एफिशिएंट एयर कंडीशनर है, काफी बढ़िया आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है, और दोस्तों आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर इस मॉडल में देखने को मिल जाता है, जैसे कि सेल्फ स्कैन टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है, कन्वर्टेबल कूलिंग मोड के आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप अलग अलग कैपेसिटी में एयर कंडीशनर को रन कर सकते हैं, और दोस्तों अच्छी कूलिंग के साथ साथ ये एयर कंडीशनर आपको एक बजट फ्रेंड भी मिल जाता है, यानी कि कम बजट में आपको वो सारे फीचर्स मिल जाता है और एक अच्छी कूलिंग भी आपको इस एसी से देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हायर के इस 1.5 टन 4 स्टार 2024 मॉडल के बारे में, जहां हमने स्टेप बाय स्टेप आपको इस एसी के एक एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया है, साथ ही आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी ज्यादा हेल्प होगी अपने लिए एक बेस्ट बाइंग डिसीजन लेने में। अगर आपको हमारा ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सवाल है प्लीज कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।